स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर टा में। म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप लमसम बैंक एफडी की तरह कम पैसे निवेश करते हैं तो उससे आप अपने किसी भी टारगेट को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको भविष्य में कोई घर खरीदना है, आपको अपने बच्चों की शादी करनी है या फिर आपका कोई और बिजनेस करने का प्लान है जिसके लिए आपको एक साथ बड़े फंड की ज़रूरत है और अभी आप ज़्यादा पैसे निवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई अपना टारगेट पूरा करना है तो उसके लिए निवेश प्लान करना काफ़ी ज़रूरी है। और दोस्तों अगर आप कम पैसे निवेश करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम काफ़ी अच्छी रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर आप कम पैसे निवेश करके कंपाउंड रिटर्न से एक बड़ा फंड आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप लमसम पैसे निवेश करते हैं बैंक एफडी के अंदर तो वहाँ पर आपको ब्याज दर बहुत ज़्यादा कम मिलती है। इसी तरह अगर आप LIC के अंदर पैसे को निवेश करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको लॉन्ग टाइम में एक इंश्योरेंस का फ़ायदा तो मिल जाता है, लेकिन मैच्योरिटी बेनिफिट इतना अच्छा नहीं होता है। या फिर बहुत सारे लोग पोस्ट ऑफिस के अंदर भी निवेश करना पसंद करते हैं, लेकिन इन सब जगह अगर आप ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो आपको मैक्सिमम 7% तक ब्याज दर मिल सकती है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको कंपाउंड रिटर्न मिलता है और वो भी अगर आप कम से कम चेक करेंगे तो आपको 15 से 16% रिटर्न आराम से मिल जाएगा। और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की स्कीम ऐसी हैं जिन्होंने लगातार 20-25 साल से रिटर्न 15% से ज़्यादा दिया है। आप ज़्यादा नहीं, एक बार सिर्फ निवेश करते हैं 65,000 रुपये तो यहाँ से आप 55 लाख रुपये तक फंड बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 65-60 हज़ार रुपये भी नहीं है और आप ज़्यादा नहीं सिर्फ सेविंग कर सकते हैं मंथली सिर्फ 1500 रुपये का, तो इसी प्लान से कम रिटर्न के हिसाब से भी आप 1,33,00,000 रुपये का फंड बना सकते हैं और अपने किसी भी गोल को आराम से पूरा कर सकते हैं। अगर आप घर खर्च से सेविंग करते हैं 1500 रुपये, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उससे भी आप निवेश कर सकते हैं। दोस्तों निवेश जब हम करते हैं तो हमेशा एक बड़े प्लान के बारे में हम सोचते हैं और उसके लिए अगर आप बैंक एफडी में निवेश करते हैं तो लाखों रुपए का आपको फंड जमा करना होता है। लेकिन अगर आप कम पैसे निवेश करते हैं और उस पर रिस्क लेते हैं तो आप एक लॉन्ग टाइम में या फिर शॉर्ट टाइम में भी एक बड़ा फंड आसानी से बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर काफ़ी अलग अलग AMC हैं, लेकिन यहाँ पर हम लेकर आए हैं कोटेक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यहाँ पर आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे, एक तो आप टैक्स की सेविंग कर सकते हैं और दूसरा मैच्योरिटी पर आपको जो अमाउंट मिलेगा उसमें भी आपको सिर्फ LTG टैक्स देना होगा 10% का और बाकी पूरा पैसा आपको ये वापस मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट रिटर्न की अगर हम बात करें तो ऑल टाइम का एनुअल रिटर्न वो भी 15 साल से 16.08% है, जबकि पिछले 5 साल में रिटर्न 17.02%, 3 साल की बात करें तो 27.28%, जबकि 1 साल में भी रिटर्न 16.45% है। और दोस्तों इस प्लान में आप लमसम बैंक एफडी की तरह भी निवेश कर सकते हैं और SIP यानी सेविंग करके मंथली भी निवेश कर सकते हैं। इस प्लान में अगर आप 65,000 रुपये लमसम निवेश करते हैं और आपको 16% रिटर्न मिलता है और यहाँ पर 9 साल में आपको 182,192 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा, यानी कि 65,000 रुपये 9 साल में बढ़कर 247,192 रुपये हो जाएंगे। लेकिन 18 साल के टाइम पीरियड में आपको 8,75,063 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और 65,000 रुपये बढ़कर हो जाएंगे 9,40,063 रुपये। लेकिन यहाँ से आपको कंपाउंड रिटर्न का फ़ायदा काफ़ी अच्छे से मिलेगा। 25 साल के टाइम पीरियड में 25,91,826 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और 65,000 रुपये की टोटल वैल्यू हो जाएगी 26,56,826 रुपये की। लेकिन 30 साल के टाइम पीरियड में आपको 55,15,242 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और 65,000 रुपये की वैल्यू हो जाएगी कुल मिलाकर 55,80,242 रुपये। लेकिन अगर आप सेविंग करते हैं सिर्फ 1500 रुपये महीना और 9 साल तक आप लगातार SIP के थ्रू निवेश करते हैं तो 16% रिटर्न के हिसाब से आपको 2,603 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा। SIP के थ्रू आप 1,62,000 रुपये का निवेश करेंगे और कुल मिलाकर आपके पास 3,62,603 रुपये का फंड होगा, जबकि 18 साल के टाइम पीरियड में आपको 15,54,544 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और SIP के थ्रू आप 3,24,000 रुपये का निवेश करेंगे, यानी कि 18 साल में आपके पास
18,78,544 रुपए का फंड होगा, जबकि 25 साल के टाइम पीरियड में आपको 54,97,827 रुपए का रिटर्न मिल जाएगा और 4.5 लाख रुपए बढ़कर हो जाएंगे 59,47,827 रुपए। दोस्तों 30 साल के टाइम पीरियड में 5,40,000 रुपए SIP के थ्रू आप निवेश करके 1,33,05,714 रुपए का फंड बना सकते हैं। इसमें रिटर्न आपको 1,27,65,714 रुपए का मिल जाएगा। जो फंड हम लेकर आए हैं इसमें अगर हम NAV नेट एसेट वैल्यू की बात करते हैं तो 101 रुपीस है, यानी इसी प्राइस के हिसाब से आपको यूनिट लॉट की जाएंगी जब भी आप निवेश करेंगे। फंड की रेटिंग 5 है और फंड साइज 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। SIP के थ्रू मिनिमम 500 रुपए और लमसम में आप 5,000 रुपए से निवेश कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स का पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश किया जाता है। यहाँ पर भी अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें तो इसमें ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मारुति सुजुकी इंडिया, ITC यानी कुल मिलाकर देश की जो बेहतरीन कंपनी है 60 उनके अंदर पैसा निवेश किया गया है। इसी तरह इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर और कंज्यूमर स्टेपल के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा निवेश किया गया है। यहाँ पर फंड के एक्सपेंस रेशियो खर्चे की अगर बात करें तो 0.56% है। दोस्तों एग्जिट रूट यहाँ पर निल है क्योंकि इसका लॉक इन पीरियड 3 साल है। टैक्स म्यूचुअल फंड में जैसे हमने आपको बताया था जो पैसा आप निवेश करते हैं उसे 1 साल से पहले निकालते हैं तो 15% का टैक्स देना होगा रिटर्न पर, लेकिन 1 साल के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं तो रिटर्न पर आपको 1,00,000 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो 10% का LTCG टैक्स देना होगा। फंड को मैनेज करें हर्षा और यहाँ पर कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड हाउस की बात करते हैं तो AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट 2,85,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। फंड हाउस की रैंक इंडिया में 5 नंबर पर है एसेट के हिसाब से और फंड हाउस 1995 को ये स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड हाउस का ये प्लान है कोटक टैक्स सेवर फंड, जिसके अंदर अगर आप लमसम 65,000 रुपये निवेश करते हैं तो इससे भी आप 56,00,000 रुपये तक फंड बना सकते हैं, या फिर अगर आप सेविंग करके ज़्यादा नहीं सिर्फ निवेश करते हैं 1,500 रुपये महीना तो इससे भी आप यहाँ पर 1,33,00,000 रुपये का फंड बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमें ये बेनिफिट मिल जाता है कि यहाँ पर हम कम पैसे निवेश करके अपने किसी भी गोल को आराम से पूरा कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं कम पैसे निवेश करके उस पर रिस्क लेते हैं तो यहाँ से आप एक शानदार फंड बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर शॉर्ट टाइम में आपको थोड़ा बहुत करेक्शन ज़रूर दिख सकता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टाइम की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स की जितनी भी स्कीम है उन्होंने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। पिछले 10 या 15 साल की बात करें तो लोगों का रुझान म्यूचुअल फंड्स की स्कीमों की तरफ काफ़ी ज़्यादा हुआ है क्योंकि यहाँ पर बैंक FD के मुकाबले या फिर LIC की स्कीम के मुकाबले दुगने से लेकर 3 गुना तक रिटर्न मिला है। यही वजह है कि लोग अब निवेश करते हैं ऐसे प्लान में जहां पर वो कम पैसे निवेश करके टैक्स की सेविंग भी कर सकें, ज़्यादा रिटर्न भी पा सकें और अपने किसी भी गोल को पूरा भी कर सकें। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश करने से हमें काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।